इस वीडियो में हम अलंकार 15 से 21 या नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, उसमें फिंगर टेक्निक की बात करेंगे कि कैसे फिंगर चलती हैं। 15वें अलंकार की बात हम कर रहे हैं तो हम 16वें अलंकार की, तो उसमें पैटर्न थोड़ा ध्यान देने वाला यही बचेगा, सारे गा, उसके बाद सारे गा, एक बार दोबारा देखेंगे सारे सागा सारे गा, फिर तीनों कीज को तीनों नोट्स को एक साथ बजाना है, रे गा रे गा मा गा मा गा पा गा मा पा 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 मा मा पा मा दा मा पा धा पा धा पा नी पा धा नी ता सा धा नी सा। अब रो नी सा नी सा दा सा नी सा नी दा नी पा नी दा पा धा पा एक साथ लेना है, मा गा मा रे मा गा रे गा रे गा सा इस तरह से एक साथ। फिंगर्स इस टाइप से चलानी है कि हमारा हाथ ना फंसे और हाथ में खिंचाव ना आए। अब 17वें अलंकार की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक इस पैटर्न में एक स्वर और बढ़ा देंगे, यानी कि हम गे तक। अब देखते हैं पहले एक बार, सारे सारे गा मा, अब मा तक आएंगे, रे मा रे गा मा पा, एक स्वर बढ़ा देंगे, गा गा मा गा पा गा मा पा दा मा पा मा दा मा पा दा नी अब इसके बाद हम अवरोह में सा नी सा दा सा नी दा नी पा नी दा पा मा ता पा धा मा दा पा मा दा पा मा पा दा पा मा गा रे मा गा मा रे मा गा रे सा। इसमें हम दो स्वर आगे जाएंगे, यानी हम प तक जाएंगे, 18वें अलंकार तक प तक जाएंगे, सारे सारे गा मा पा रे गा रे मा रे गा मा पा दा गा मा गा मा पा दा नी मा पा मा धा मा पा दा सा। अब रोहू सानू सदा सानू धा पा मानी धनी पा नी धा पा मा गा धा पा धा पा मा गा पा मा पा गा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा दा धा तक जा रहे हैं, रे गा रे मा रे गा मा पा धा नी गा रे गा
अब रोह की बात कर रहे हैं। अब हम नी तक जाएंगे, यानी कि हम रे सा रे सा सा रे ग म प ध नि रे ग रे मा रे ग म प ध नि सा। अब रो सा नी सा सा नी त प म प रे नी ग नी प नि ध प म ग। अब तक जाएंगे मध्यम सप्तक के से तार सप्तक के साथ तक। सा रे सा ग सा रे ग म प ध सा। अब रो सा नी सा ध सा नी ध प म ग सा। इस तरह से हम हमारी फिंगर्स चलती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा हाथ फंसे ना, हाथ में खिंचाव ना आए किसी भी फिंगर से। कोई भी हम फ्लो में कोई भी की दबा सकते हैं, फ्लो में दबा सकते हैं, मगर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वही फिंगर हम यूज़ करें जो कि हाथ में खिंचाव जिससे ना आए।